नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, दिन तो आया आज मंडे और टाइम 1:15 होगी, यानी कि दोपहर का टाइम हो गया। और खाने वाने की तैयारी अभी तक कुछ नहीं किया रसोई में आंसू ने, और मैं दिखाता हूँ क्या कर रही। हाँ, क्या कर रही? कपड़े देख रही, मका बन जाएंगे तो फिर कपड़े निकाले। साड़ियां कपड़ों की नहीं, कमी है क्या तेरे दौरे? कमी तो है नहीं, लेकिन जो है मैं भी तो बनवा नहीं, जो है ले तो नहीं रही अच्छा, मैं। गिनती बढ़ानी पैरती तो है नहीं तू? पहनी तो बस जब नहीं नहीं हो जब ही पहनी जा। ये साड़ियां है मेरे पास, दो तीन साड़ियां है, मैं कहीं ना तैयार करवा लू। ये इस पे मैंने वो लगाई थी ना, ये लेस, ये वाली, इस पे फॉल लगनी। फॉल तो लेके आ गई थी, लेकिन लगाऊं कैसा, टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाए। मैं यूं सोच रही कि लगाऊं अपने आप या देऊं लगाने के लिए। तो इसके तो मैंने ब्लाउज और पेटीकोट वगैरह सब मंगा लिए, तो ये तो बननी देऊंगी अगर भैया के पास टाइम होगा, जब है या बाद। अभी नहीं, तो अब तो मेरे पास टाइम ही सोच टाइम रही, होगा, अगले महीने उसमें श्राद्ध आ जाएंगे, वो फिर ही है फिर तो। उससे पहले बन जा। और दो साड़ी ये भी निकाल ली, वो कहीं ये भी तैयार हो जाएंगी। ये साड़ी तो मैंने पिछले साल ली थी, पिछले साल ये तो एक साल बहुत होने हैवी सी है, वाला। तो मैंने देखी ही नहीं कभी। नहीं है भी नहीं है, लाइट वेट है ये, लग रही देखने से प्लेन साड़ी बिल्कुल। और बस इसके ऊपर ये पाउडर है, बहुत अच्छी लगेगी ये पहन के। और मुझे इस तरह की सिंपल सोवर प्लेन साड़ी बहुत पसंद है पहन या ये वाली। कहां था ना, तो बता ये तो ऑनलाइन ही ली थी मैंने, आई कहीं तो नहीं, आप दिखा था साड़ी कौन तो देवे। भूल गया होगा फिर तो। ये सिंपल ही है, तो इसे भी दूंगी तैयार करनी, इसका ब्लाउज और वो भी दूंगी, क्या कहते हैं, फॉल लगनी। फॉल लगा तो लू, मेरे साव है लगानी, लेकिन मुझे दिक्कत गर्दन की ज्यादा हो रही है, झुक क्या करना पड़ा ना, तो मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है। देखती नहीं, हूँ किसी एक पर आध करवा का अपने आप लिए। लगा लूंगी और दो दे दूंगी। तो यह तो पता होगा आपको। हाँ, ये तो पता है मुझे, इसमें मेरी जेब ढीली हो गई थी। अरे इस बताऊ, यह वाली साड़ी मेरी अब तक झुकी तो रखी है। अरिंदु ने इसी के जैसी दूसरी मंगाई सेम, उसने मेरे से बाद में मंगाई और उसकी तैयार हो गई, उसने पहन भी ली और मेरी झुकी तो रखी है, अब तक भी तैयार नहीं हुई। भैया को कई बार बोल लिया, हाँ कर दूंगा, बस यूं कह दे, मगर अब तो आर आ गया, पहन लूंगी, आज देऊंगी, देखूंगी, आवेंगे तो भैया पूछूंगी। और यह साड़ी तो मुझे बहुत पसंद है, मैंने पहनी भी नहीं आज तक ऐसी साड़ी, इस कलर की तो पहनी ही नहीं, इस कलर का तो शायद मेरे पास सूट भी नहीं होगा। और अच्छी लगेगी, है ही साड़ी है, पार्टी वियर सिल्क में है, और खास तो है ही, जब इन्होंने दी तो खास ही होगी। तो ये साड़ी आज मैं निकाल के देख रही थी, मैं देख लू निकाल के तो तैयार करवा लूंगी। तो ब्लाउज जब बनोगे बनेगा इनका, उससे पहले मैं इनकी फाल मंगा के फाल लगनी तो दे दूंगी, जब ब्लाउज बनेगा जब पहन लूंगी, मेरा बनता करवा ले, तैयार हैं तो है। हम कहा जैसा जरूरत तो आ रहा पड़ेगा। है, दीपावली वगैरह कुछ भी फेस्टिवल है कितने, तो फिर वही पुरानी पहननी जा, सारी ऐसी हो रही मेरी तो पहनी हुई सी। तो मैं कहा ये तीनों तैयार करवा लू, तीन साड़ी रखी मेरे पास। सही है। खाने में क्या आया विचार? खाने में आज मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, मेरा मन ही नहीं कर रहा आज खाना बताने को, मैं सोच चल रही मैं क्या बनाता बनाऊं। हूँ, क्या बनाऊँ बता। वही मैं आपको पूछ रही क्या बनाऊं, बनाना तो है ही मुझे पता। क्या बनाऊं सब्जी में, मम्मी तो आज उधर है, कल की उधर जा रही, मम्मी से ही पूछ लू। उस दिन से मम्मी आई ना मेरी, यार टेंशन खत्म हो रही, दोनों टाइम नहीं पूछ लू क्या बनाना, और मैं बता दे। लेकिन अब कल से मैं उधर गई, शाम के टाइम चली गई थी, ऐसा कर, लौकी का रायता बना ले, बना लूंगी। मैं कल तो आलू का बनाया था, आज लौकी का बना ले, देखी जाएगी। करनी तो अरबी रखी, अरबी बनाऊ, हाँ, अरबी बना ले। चल अरबी बना लूंगी, अरबी की सब्जी तो गुड्डू भी खा ले, लौकी का रायता ईसू नहीं खाती, आलू का तो खा ले, वाह खुशी है। तो चल ठीक है, इन्हें रख दू, बस अब बनाऊंगी फटाफट, लगूंगी 1:30 बजे आऊंगा, मुझे लग रहा। 1:30 बजने वाला है।
हो गया है तैयार। ये मैंने अरवी की सब्जी बना दी और दही है, रोटी है, सलाद काट दी और बस हम दोनों की थाली लग के होगी तैयार। दोनों ही हैं और कान्हा जी को मैंने दे दिया है पहले ही, भोग लगा दिया कान्हा जी को और बस अब हम भी खा लेते हैं। बच्चे तो बाद में आएंगे, 3 बजे आएंगे, अभी 2 ही बजे, तो जब बच्चे आएंगे तब वे खा लेंगे। अब देखिए शाम का टाइम हो गया है और मम्मी और बच्चे दोनों तीनों आ गए हैं उधर से, पीहू रूही और कृष्णा भी, मम्मी भी और मैं गए हैं किसी काम से मम्मी को छोड़ के इधर बच्चों को। दोनों इंदु और नीरज भैया दोनों गए हैं तो बच्चों को यहीं पे छोड़ दिए और यहाँ बस मैं फिर ले रही हूँ मम्मी से आशीर्वाद, पैर दबा रही हूँ उनके। और बस अब मैंने आशीर्वाद ले लिया और अब मैं बनाऊंगी चाय। चाय मैं सबके लिए ही बनाऊंगी, बल्कि बच्चों को मैं पूछ रही थी कि पियोगे क्या चाय, रूई ही पी, उन्हें ना कर दिया। तो ईशु अभी सोई हुई थी और गुड्डू चली गई थी ट्यूशन, क्योंकि शाम को गुड्डू ट्यूशन जाती है। और ईशु को मैं थोड़ी देर के लिए लिटा देती हूँ क्योंकि थकी रहती है, 3 बजे तक आती है, सुबह 7 बजे चली जाती है, तो वो थक जाती है बहुत। अगर ना किसी दिन लिटाऊँ ना तो वो ना शाम को पढ़ाई नहीं कर पाती, बस ऐसे ही कहती रहती है मम्मी नींद आ रही, तो इसीलिए मैं इसको 1-1.5 घंटे के लिए सुला देती हूँ। तो वो सोई हुई और कृष्णा भी था इधर ही, कृष्णा को भी सुला दिया गुड्डू के पापा ने, क्योंकि वो भी इधर उधर फिर रहा था। मैं कहा चलो, वे उसको लेकर लेट गए थे, उन्होंने सुला दिया। और अब देखिए मैंने चाय बना दिया सबके लिए, कान्हा जी को भी दे दूंगी पहले चाय और बस हम भी पी लेंगे। और मैं गुड्डू के पापा को पहले ऑफिस में देने जा रही थी इसीलिए उनकी अलग ली थी, लेकिन वे कहने लगे नहीं मैं वहीं आ रहा। तो यहाँ बस हम सब की चाय चल रही है और पीयू रूई ने बिस्किट खाए हैं, चाय ना कर दी थी कि नहीं मम्मा चाय नहीं पीनी। और मैं तो वैसे भी ज़्यादातर बच्चों को देती नहीं, दूध दे दूँगी थोड़ी देर बाद उनके लिए, दूध कर दूँगी। तो यहाँ बस सब चाय पी रहे अपना और कथा सुन रहे। शाम को मम्मी कथा सुनती है, मैंने पहले भी बताया था आपको, अनिरुद्ध महाराज जी जो हैं उनकी कथा हो रही है तो वो सुनती है। 3-4 घंटे इसी में ही निकल जाते हैं मम्मी के, और बहुत अच्छी कथा भी कहते हैं। और जब से मम्मी सुनती है ना तो थोड़ी देर हम भी बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है। तो यहाँ बस हमारी बातें भी चल रही, चाय भी चल रही और कथा भी हम सुन रहे। और अब देखिए थोड़ी देर बाद बस मैंने अपना काम किया किचन के, झाड़ू वगैरह लगाई, साफ़ सफाई करी शाम की। और यहाँ आ गए हैं इनके दोस्त हैं ये गुड्डू के पापा के, और काफ़ी दिन बाद आए हैं और ये स्पेशल आए हैं मम्मी को देखने के लिए। इनको पता चला कि मम्मी बीमार है आई हुई, तो ये इसीलिए आए हैं। और यहाँ ये कुछ मतलब मम्मी के बारे में ही पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा है। और इन्होंने इनको काफ़ी जानकारी है इस बारे में, मतलब हेल्थ के बारे में, तो ये सब कुछ पूछ रहे हैं मम्मी से। और इधर मैं ले आई हूँ चाय, तो नई लाई बना के, चाय ये पीते नहीं ये आजकल डाइटिंग पे हैं बहुत ज़्यादा, और मतलब डाइटिंग पे नहीं कह सकते, मतलब रूल फॉलो कर रहे हैं कुछ ना कुछ जैसा अपनी हेल्थ के लिए। तो चाय इन्होंने ना कर दी थी और कोल्ड ड्रिंक भी ना कर दी थी, फिर मैं इनके लिए लाई हूँ नींबू पानी बना के। और बस मम्मी को ये पूछ रहे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो यहाँ ये इन्होंने ना, इनको काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम थी पहले, तो इन्होंने कोई ना जो मतलब ट्रीटमेंट लिया है कोई, तो वो ही ये मम्मी को कह रहे हैं, बोल रहे कि ये दिलवाओ इनको और उससे ये सही हो जाएंगी। तो जितनी भी इनको नॉलेज है उसी हिसाब से मतलब वे चेक कर रहे हैं मम्मी का वेट वगैरह सब कुछ। और ये भी कुछ स्कैनर सा है, शायद स्कैन वगैरह होती है बॉडी, तो वो किया है उन्होंने, पहले इनका किया है, फिर गुड्डू के पापा भी कराने लगे अपना, फिर उनका भी किया। तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है वो उन्हें बताई उन्होंने कि ऐसे ऐसे है, तो वो ही बस वे बता रहे हैं कि इसके लिए आप मतलब जैसे भी कोई भी होता है, जैसे मैं हूँ, अगर मुझे कहीं से आराम होता है तो मैं जैसा कोई दूसरा आदमी परेशान है तो यही बताऊँगी कि आप वहाँ पे जाओ, तो वो भी वही बता रहे हैं कि आप ये वाली दवाई खाओ तो इससे आपको आराम हो जाएगा। तो यहाँ सेम ही फिर गुड्डू के पापा का भी प्रोसीजर चल रहा, वे भी अपना देख रहे वेट वगैरह चेक करके और लग रहे हैं। तो यहाँ
हाँ बस भैया ने इन्होंने चेक कर लिया था, जो भी इनको लग रहा था वो सारी ये प्रॉब्लम बता रहे थे। और बस ये सब होने करने के बाद फिर हम बैठे बातें की थोड़ी देर, और मैं इनको पहले से ही जानती हूँ, काफ़ी दिन पहले से, मतलब जब से हम पिंजौर में आए हैं। और गुड्डू के पापा तो खैर पहले से ही जानते हैं, मतलब इनके साथ इन्होंने जॉब वगैरह भी की है। तो यहाँ बैठे बात करी और बस काफ़ी लेट हो गए थे, और भैया लेट ही आए थे क्योंकि मतलब जो अपनी ड्यूटी करने के बाद ही आए थे। तो फिर बस अपना फिर चले गए थे, और फिर हमने बस अपना खाना खुना खाया, और बच्चे भी उधर चले गए थे, इंदू आ गए थे और वे बच्चों को लेकर चले गए थे। तो अब टाइम हो गया जी, देखिए रात के 9 बज गए और बस सबने खाना खा लिया, मैंने भी, मैं अपना ले आई हूँ। और आज खाना हमारा सिंपल सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सबने तो चटनी और रोटी खाई और थोड़ी सी सब्जी दोपहर की बच रही थी जो अरबी की बनाई थी, क्योंकि आज हम लेट हो गए थे, गेस्ट आ गए थे ना, तो इस वजह से बस जब बैठ जाते हैं और फिर खाने का भी नहीं था किसी का ज़्यादा। रात को तो हम हल्की फुल्की से एक आधी रोटी खाते हैं, तो सब कहने लगे कि बस दूध के साथ और चटनी के साथ खा लेंगे, तो सब ने खा ली, यहाँ सब बैठे हैं और बस अब मैं भी खा लेती हूँ। और आ जाओ आप भी, रात का जो खाना है वो खा लो। और बस वीडियो को रोकती हूँ अभी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।